हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मनुष्य के शरीर में पाचन की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मनुष्य की जो पाचन की क्रियाविधि है, इस क्रियाविधि का अध्ययन हम दो बिंदुओं में करते हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण और दूसरा आता है पाचन की क्रिया। तो आप देखिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी बात करें भोजन के अंतर्ग्रहण की। मनुष्य पोषण की दृष्टि से सर्वाहारी प्राणी होता है, अर्थात भोजन के रूप में पादप व उसके विभिन्न भाग व अन्य जो एनिमल से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, जंतुओं से प्राप्त विभिन्न प्रकार के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है। जीवों के शरीर में भोजन का जो अंतर्ग्रहण की अपन बात कर रहे हैं, इस क्रिया में मुख का सबसे बड़ा योगदान होता है, अर्थात विभिन्न भोज्य पदार्थों को मुख द्वारा ग्रहण करके और सीधे ही मुख गुहा में पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं अंतर्ग्रहण, जिसमें जीव मुख यानी होस्ट और दांत, इन सब का मुख्य योगदान होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद जो मुख गुहा में भोजन पहुंचता है, यहां से इसकी पाचन की क्रियाविधि स्टार्ट होती है। तो हम ये कहते हैं कि जीवों के शरीर में दो प्रकार का पाचन होता है, एक बाह्य कोशिकीय पाचन, बाह्य कोशिकीय पाचन उन जीवों के अंदर होता है जिनमें अंग तंत्र प्रकार का संगठन होगा। कौन सा अंग तंत्र? अर्थात भोजन के पाचन की कार्य करने के लिए इसमें आहार नाल व विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। तो वे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं, जिनमें पाचन क्रियाविधि के लिए आहार नाल अर्थात कोशिकाओं से बाहर आहार नाल में क्रियाविधि होती है और उसमें पाचन की जो ग्रंथियां हैं अपना योगदान देती है। तो जब भोजन का पाचन कोशिका से बाहर आहार नाल में संपन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन। उच्च कोटि के समस्त कशेरुक प्राणी व कुछ नॉन कॉर्डेट्स, इनके अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। जबकि दूसरा जो अंतःकोशिकीय पाचन है, अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब वे जीव जिनके शरीर में जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है, वे जीव जिनका शरीर एक कोशिकीय होता है, अर्थात उनकी समस्त जैव रासायनिक क्रियाएं उसी कोशिका में संपन्न होती है जिसके वो बने होते हैं, तो वो उनके अंदर अंतःकोशिकीय पाचन अर्थात कोशिका के अंदर होने वाला जो पाचन की क्रिया है वो अंतःकोशिकीय कहलाती है, जैसे कि अमीबा या अन्य प्रोटोजोअन जीव। इसके अलावा जो पाचन की क्रिया है वो भी दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक पाचन और दूसरा होता है रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन, यांत्रिक पाचन जो कि मुख गुहा में होता है, किसके अंदर? मुख गुहा में जो यांत्रिक पाचन होता है, जहां पर दांतों के माध्यम से भोजन के बड़े बड़े भागों को छोटे छोटे अंशों में छोटे छोटे भागों में बदल दिया जाता है, वो कहलाता है यांत्रिक पाचन। जबकि रासायनिक पाचन की क्रिया विभिन्न प्रकार की पाचक एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है। पाचक एंजाइमों के द्वारा होने वाला जो पाचन है वो रासायनिक पाचन कहलाएगा और ये रासायनिक पाचन मुख गुहा, इसके अलावा आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत आदि के अंदर संपन्न होती है। ठीक है, जैसे ही भोजन को ग्रहण किया जाता है, इस भोजन को ग्रहण करने के बाद मुख गुहा में जो यांत्रिक पाचन होगा, ये यांत्रिक पाचन एक ऐच्छिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी? ऐच्छिक क्रिया होती है। ठीक है, ऐच्छिक क्रिया के बाद जैसे ही यांत्रिक पाचन के बाद भोजन का जो रूप बनता है
वो जैसे ही ग्रसनी के पास पहुंचता है, ग्रसनी द्वारा ये सीधा ही ग्रासनाल के माध्यम से आहार नाल में पहुंच जाता है। अतः यांत्रिक पाचन के बाद जो भोजन का जो रूप बना है, ठीक है, उस रूप को ग्रसनी और ग्रासनाल के माध्यम से आमाशय में पहुंचना, ये कहलाता है भोजन को निगलना। तो भोजन को जो निगलने की जो प्रोसेस है वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। कौन सी होती है? वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। जबकि मुख गुहा में जो भोजन का यांत्रिक पाचन होता है वो एक ऐच्छिक क्रिया होगी। ठीक है, अब आप ये देखिए, भोजन को अंतर्ग्रहण के बाद सबसे पहले इसका यांत्रिक पाचन होता है, यांत्रिक पाचन के बाद मुख गुहा में इसका रासायनिक पाचन भी होगा जो कि पाचक एंजाइमों के द्वारा होगा। तो हम ये जानते हैं कि मुख गुहा में जो लार ग्रंथि उपस्थित होती है, कौन सी? लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि के द्वारा लार का श्रावण होता है। ठीक है, लार के अंदर क्या क्या चीजें आप देखिए, इसके अंदर जल, लाइसोजाइम एंजाइम और एमाइलेज प्रकृति का जो टॉयलेन एंजाइम होता है ये इसमें उपस्थित होगा। लाइसोजाइम का मुख्य कार्य होता है भोजन के साथ आए हुए जो जीवाणु होते हैं उन्हें नष्ट करना, जबकि एमाइलेज का जो पाचन है, एमाइलेज ये एमाइलम अर्थात स्टार्च का पाचन करता है। किसका करेगा? स्टार्च का। तो हम ये देखते हैं कि स्टार्च प्लस जल एमाइलेज एंजाइम ये क्या करेगा, इसको माल्टोज। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है जबकि माल्टो डाइसेकेराइड है प्लस डेक्स्ट्रिन में बदल देता है, डेक्स्ट्रिन लेकिन कम मात्रा में अर्थात सीमित मात्रा में, सीमित मात्रा में इसके अंदर क्या बनती है? डेक्स्ट्रिन बनती है। तो मुख गुहा में जो रासायनिक पाचन होता है वो टॉयलिन एंजाइम के माध्यम से, जो कि एमाइलेज प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का, सॉरी कम अम्लीय होता है, जिसका पीएच 6.8 होता है। ठीक है ना, तो ये एमाइलेज स्टार्च अर्थात पॉलीसेकेराइड का अपघटन कर उसे माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड है और सीमित मात्रा में जो डेक्स्ट्रिन बनता है इनके अंदर ये बदल देता है। अब देखिए, आप लार ग्रंथि द्वारा श्रावित जो लार को जीव के माध्यम से भोजन के साथ मिलाया जाता है, ठीक है, साथ में भोजन का यांत्रिक पाचन भी होता है। तो जैसे ही भोजन के साथ इसको मिलाया जाता है तो भोजन एक लस लसे रूप में बदल जाता है। कौन सा रूप? लस लसे रूप में बदल जाता है और इस लस लसे रूप को हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं इसको? बोलस कहते हैं, जो कि एक पेस्ट के रूप में होता है, जो कि अर्धठोस रचना के रूप में होगा। ये बोलस इसको ग्रासनाल के द्वारा निगल करके सीधे आमाशय में पहुंचा दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि आमाशय में जो भोजन का पाचन कैसे होता है। ध्यान से देखेंगे आप इसको कि आमाशय के अंदर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आमाशय में भोजन के पाचन की क्रियाविधि क्या होती है। हमने देखा मुख गुहा में यांत्रिक व रासायनिक पाचन के बाद कौन कौन सा पाचन हुआ? यांत्रिक पाचन और साथ में रासायनिक पाचन। हम भी जानते हैं कि मुख गुहा में भोजन कम समय के लिए रोकता है, अतः मुख गुहा में भोजन का आंशिक पाचन होता है। भोजन के साथ साथ स्टार्च का भी यहाँ पर आंशिक पाचन होगा क्योंकि भोजन कम समय के लिए रोकता है। तो यांत्रिक और रासायनिक पाचन के बाद जो बना हुआ बोलस है क्या बनती है? भोजन का रूप क्या बना था? बोलस। ये बोलस ग्रासनाल के द्वारा सीधे कहां पहुंचता है? आमाशय में। जैसे ये आमाशय में पहुंचता है, ठीक है, आमाशय की जो आधारीय भाग होता है काय, जिसे फंडस कहते हैं, काय या फंडस, इस फंडस की दीवार में
जो कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें भित्तीय कोशिकाएं बोल सकते हैं, वॉल सेल्स, इनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण होता है। कौन सा? गैस्ट्रिन हार्मोन। ध्यान से समझे इस टॉपिक को आप। जैसे ही बोलस ग्रासनाल के द्वारा निगलकर इसको आमाशय में पहुंचाया जाता है, आमाशय के फंडस भाग, सबसे बड़ा 80% भाग होता है आमाशय का, तो आमाशय के इस फंडस भाग में पहुंचते ही इस फंडस भाग की जो दीवार की भित्ति कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का श्रावण होता है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन रक्त परिसंचरण द्वारा आमाशय की जठर ग्रंथियों में पहुंचता है। कहां पहुंचा? आमाशय की जठर ग्रंथियों में पहुंचता है, और जठर ग्रंथियों में पहुंच करके उन्हें प्रेरित करता है विभिन्न प्रकार के पदार्थों के श्रावण करने के लिए, पाचक रसों के श्रावण करने के लिए। अर्थात गैस्ट्रिन हार्मोन के प्रभाव से प्रेरित होकर के जठर ग्रंथियां पाचक रस का श्रावण करती है। कौन सा पाचक रस? जठर रस। हम ये देख सकते हैं कि जो जठर ग्रंथियां होती हैं, यहां ध्यान से देखो इसको, जो जठर ग्रंथियां होती हैं, इन जठर ग्रंथियों के निर्माण में तीन प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। एक चषक कोशिकाएं, ग्लोवट सेल, दूसरी है जाइमोजन कोशिका, जाइमोजन या मुख्य कोशिका, चीफ सेल, सी सेल, और एक होती है अम्लजन कोशिका। ये तीन प्रकार की कोशिका है, अम्लजन को ऑक्सीडेंटिक कोशिका भी कह सकते हैं। तो जठर ग्रंथियों के निर्माण में तीन प्रकार की सेल होती है, चषक कोशिका, जाइमोजन अर्थात मुख्य कोशिका, और ऑक्सीडेंटिक कोशिका अर्थात अम्लजन कोशिका। ध्यान से देखें, जो ग्लोवट सेल होती है इनका मुख्य कार्य होता है म्यूकस का श्रावण करना अर्थात श्लेष्मा का श्रावण करना। इसका मुख्य कार्य क्या हुआ? श्लेष्मा का श्रावण। ये जो श्लेष्मा श्रावित हुई है ये आमाशय की इंटरनल लेयर जो होगी उस लेयर पर ऊपर एक परत का निर्माण कर लेती है, आमाशय की अंतःभित्ति के ऊपर एक पतली परत का निर्माण कर लेती है, जिसके कारण अम्लजन कोशिका द्वारा स्रावित जो अम्लीय पदार्थ होता है वो अम्लीय पदार्थ आमाशय की इंटरनल जो दीवार की कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने से बचा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं श्लेष्मा का मुख्य कार्य हुआ कि अम्ल के प्रभाव से आमाशय की सुरक्षा करना, ये किसका कार्य हो गया? अर्थात आमाशय के स्वपाचन को रोकना। इसका मतलब हुआ यदि चषक कोशिका नहीं होती तो श्लेष्मा का श्रावण नहीं होता, श्लेष्मा सीक्रेट नहीं होती तो अम्लजन कोशिका द्वारा स्रावित अम्लीय पदार्थ आमाशय की जो इंटरनल वॉल के अंदर जो सेल्स होती हैं उन कोशिकाओं को नष्ट कर देती, जिससे आमाशय खुद क्षतिग्रस्त हो जाता। इसके बाद आप ये देखिए, जो जाइमोजन कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं इनएक्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती है, निष्क्रिय जो एंजाइम का श्रावण करेगी, निष्क्रिय एंजाइम जैसे कि प्रोरानिन, पेप्सिनोजन आदि, ये सब की सब निष्क्रिय एंजाइम हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, जिस एंजाइम के आगे प्रो शब्द लगा हो या पीछे की तरफ नोजन शब्द लगा हो, आप ध्यान रखेंगे वो सारे के सारे एंजाइम निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखिए, अम्लजन कोशिका जैसे ऑक्सीडेंटिक कोशिका कहते हैं, इसके द्वारा HCl का श्रावण होता है। किसका श्रावण होगा? HCl का। तो हम ये कह सकते हैं इस HCl के प्रभाव के कारण जो ये जठर रस होता है वो अम्लीय होता है। क्या होगा? ये अम्लीय होता है, इस कारण इसका जो pH है लगभग 1.5 से 2.5 तक हो सकता है।
जितना ज्यादा कम पीएच होगा उतनी ही ज्यादा अम्लीयता बढ़ती चले जाती है। तो एसिडिटी के प्रभाव के कारण पाचकरस्त जो आमाशय के अंदर उपस्थित है वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब आप ये देखिए एसिडिटी के क्या क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करना। दूसरा, भोजन को लंबे समय तक सड़ने से बचाना, क्योंकि हम जानते हैं आमाशय के अंदर कुछ समय तक भोजन रुकता है, ठीक है, तो भोजन अधिक समय तक यदि रुक जाता है तो वो सड़ने के चांसेस होते हैं, तो एससीएल क्या करेगा, उस भोजन को सड़ने से बचाता है। इसके अलावा आमाशय के अंदर जो पाचन क्रिया का माध्यम है, पाचन का माध्यम, इस माध्यम को क्या बनाता है, एसिडिक अर्थात अम्लीय बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं आमाशय के अंदर जो भोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा देखिए आप कि वसा का पायसीकरण करना, इसके अलावा भोजन के जो बड़े बड़े भाग होते हैं उन्हें स्मॉल पीसीज के अंदर अपघटित करना, छोटे छोटे अंशों में बदल देना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वो है कि इनएक्टिव जो एंजाइम होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम को ये एक्टिव एंजाइम में बदलता है। जैसे कि ये हमने बात की थी प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है, ये एसीएल के प्रभाव से सक्रिय एंजाइम बदल जाते हैं। जैसे कि देखो हमने लिखा प्रोरेनिन, ये प्रोरेनिन एसीएल के प्रभाव से सक्रिय रेनिन में बदल जाता है, किसमें बदल जाएगा, सक्रिय रेनिन में, जिसके कारण दुग्ध प्रोटीन का पाचन हो सके। आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेनिन केवल छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हीं में ही सक्रिय होता है, ये छोटे बच्चों में सक्रिय होता है। इसका मतलब जो वयस्क पुरुष है, वयस्क जो मनुष्य होता है उसके अंदर रेनिन की सक्रियता नहीं होती है, जबकि वयस्क जीव के अंदर पेप्सिनोजन ये एसीएल के प्रभाव के कारण सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। ये वयस्क के अंदर दुग्ध प्रोटीन का पाचन करेगा कौन, पेप्सिन, ठीक है। अब पेप्सिन का यदि अपन कार्य देखें तो आप देखिए ध्यान से, प्रोटीन आमाशय के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन का ही पाचन होता है, प्रोटीन प्लस जल। हम ये जानते हैं जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं वो सब के सब जल की उपस्थिति में ही सक्रिय होते हैं, तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर उसे पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेस प्लस छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, इनके अंदर ये बदल देता है। पेप्सिन आमाशय के अंदर मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है, जिसके अंदर ये पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर उसे पेप्टोन्स प्रोटीओजेस और छोटी जो लंबी छोटी श्रृंखला वाली पेप्टाइड चैन होती है पॉलीपेप्टाइड चैन उसमें ही बदल देता है। इसके अलावा आमाशय के अंदर ही जो दुग्ध के अंदर पाए जाने वाली वसा है उसका भी पाचन होगा कम मात्रा में, तो यहां पर कौन आता है, जठरीय लाइपेज। ये जठरीय लाइपेज एंजाइम दुग्ध वसा, दूध में पाए जाने वाली वसा का पाचन कर उसे वसीय अम्ल, उसे वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। किसके अंदर, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि आमाशय में ये जो लगभग पाचन है किसका, प्रोटीन का पाचन होता है। इस प्रोटीन यानी आमाशय में जो भोजन किसके रूप में आया था, बोलस के रूप में आया था। बोलस के रूप में आने के बाद यहां पर इसमें जठर रस मिक्स हो जाता है और मिक्स होने के बाद यहां साथ साथ विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी भाग लेते हैं
और एंजाइमों के भाग लेने के कारण ये बोलस एक पेस्ट के रूप में रचना में बदल जाता है, जिसे बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं इसको? काइल, काइम। तो आमाशय में जो भोजन है वो बोलस के रूप में आता है, जबकि पाचन क्रिया के बाद जो बनने वाला रूप है वो किसके रूप में बना? काइम के रूप में। ये काइम जो कि अर्धपचित भोजन के रूप में होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, वो आमाशय के अंतिम भाग जिसे बोलते हैं पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग के जो सकरा हिस्सा होता है लास्ट का, जिसे बोलते हैं पाइलोरस रंध्र, उस पाइलोरस रंध्र के द्वारा छोटे छोटे किस्तों के रूप में ये आगे छोटी आंत के समीपस्थ भाग अर्थात ग्रहणी में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, जहां आगे की पाचन की क्रियाविधि